नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। 28 मई को यूपी की कैराना में लोकसभा उपचुनाव होने हैं, वहीं 28 अप्रैल को देश की 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं और इसके नतीजे 31 मई को आएंगे। कैराना समेत लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। यूपी में नूरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। ...2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने एक और अग्नि परीक्षा, कैराना उपचुनाव की बजी रणभेरी। 16 लाख मतदाता तय करेंगे कौन होगा सांसद। नूरपुर में क्या फिर खेलेगा कमल या फिर सपा करेगी वापसी। उपचुनाव तय करेगा सियासी गठबंधन की गांठों की मजबूती। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले कैराना उपचुनाव की बिसात सज चुकी है। कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट के लिए 28 मई को मतदान होंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बावजूद विपक्षी एकता के समीकरण अनसुलझे हैं। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के बावजूद मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो अब किसी भी उपचुनाव में किसी दल का समर्थन नहीं करेंगी। लिहाजा अब सपा और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर ही अपना सेनापति तय करेंगे। 28 मई को होगा मतदान, 31 मई को होगी मतगणना। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। यूपी में कैराना लोकसभा सीट के साथ ही नूरपुर विधानसभा सीट के लिए 28 मई को उपचुनाव होंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना 3 मई को जारी की जाएगी और 10 मई तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 11 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 14 मई है। कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि नूरपुर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह चौहान की मौत की वजह से खाली हुई थी। 2014 में बीजेपी के हुकुम सिंह ने जीती थी सीट। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हुकुम सिंह यहां से 2,37,000 वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 में यहां सपा दूसरे, बसपा तीसरे और राष्ट्रीय लोकदल चौथे नंबर पर रही थी। हुकुम सिंह को तीन दलों के उम्मीदवारों को मिले वोटों से ज्यादा 50.54% मत मिले थे। विपक्ष की ओर से जयंत चौधरी होंगे उम्मीदवार। गठबंधन की स्थिति में साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का नाम आगे चल रहा है। दरअसल बसपा की चुप्पी और कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के नाम की पैरोकारी की है। वहीं बीजेपी से दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। कैराना लोकसभा सीट पर 16 लाख से ज्यादा वोटरों में सर्वाधिक तादाद मुस्लिमों की है। दूसरा नंबर अनुसूचित जाति का है। इन दोनों के वोट मिलाकर करीब 45% के आसपास वोट बैठते हैं। जाट वोट 10% है। इसके बाद गुर्जर, कश्यप और सेनी मतदाता हैं। इनकी संख्या 1 से 1.25 लाख के करीब है। एक तरफ गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव जीतने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश है 2019 से पहले कैराना और नूरपुर में पूरी तरह से माहौल बनाने की। अब ये 31 मई को ही पता चलेगा कि यूपी की सियासत किस करवट बैठती है। न्यूज डेस्क हिंदी खबर। जी हाँ, तो ये उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और एक विधानसभा और एक उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर ये चुनाव होने हैं, नूरपुर और कैराना। आइए इस वक्त चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व हिंदी खबर के लखनऊ स्टूडियो में कर रहे हैं वी के गोस्वामी। सपा की ओर से जगदेव सिंह हमारे साथ हैं और कांग्रेस की ओर से प्रदीप सिंह। और नोएडा स्टूडियो में हमारे राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो सबसे पहले वीके गोस्वामी जी,
क्या तैयारियां हैं? इसके पहले के जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा, हालांकि उसके बाद आप लोगों ने कमर कसी है, इन उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए अक्षय जी, हम दो चुनाव हारे उसका हमने तत्काल हारते ही उसकी हमने समीक्षा की किन कारण से हम हारे जी, और उसका हमने बूथ लेवल पर समीक्षा की और ये जो कैराना का चुनाव होने जा रहा है इस पर हमारी तैयारी है पूर्ण रूप से जी। हमारा बूथ लेवल, सेक्टर लेवल, विधानसभा लेवल पे सारी तैयारी पूरी है जी। सारे बूथ इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, ये सब हमारे पार्टी के काम कर रहे हैं और जो हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर जी, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विकास हमारा मुद्दा है, केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू हुई है उसको हम लेके जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जी, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जो हमने काम किया है, गांव गांव हमने शौचालय घर घर बनवाने का काम किया है, तो जो भी हमारी हमने किसानों का कर्ज माफी किया है, हमने गन्ना किसान का भुगतान समय पर किया है, हमने समय पर सबका गेहूं क्रय किया है, किसानों का धान किया है और इसमें गेहूं का क्रय केंद्र सब विभाग खुल गए हैं, सारे किसान अपने मनमाफिक गेहूं बेच रहे हैं, गन्ना का भी भुगतान इस ईयर का लगभग लगभग हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो भी चुनाव है उस चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक है जगदेव सिंह, ये माना जाए कि गठबंधन की जो चुप्पी है वो अपने आप में आरएलडी के कैंडिडेट को यहाँ सपोर्ट करती है, क्या नाम है? देखिए हाँ, ये रणनीति हमारे राष्ट्रीय नेता तय कर रहे हैं और चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ा जा सकता है, ये तो समय अभी है, इसलिए समय रहते कोई कहना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो फूलपुर और गोरखपुर हुआ वो इतिहास दोहराएगा, क्योंकि चार साल में केंद्र में सरकार ने कुछ किया नहीं है जी। अभी गन्ना किसानों की बात करें तो गन्ना किसान मिल बंद पड़े हैं, गन्ना का भुगतान हो रहा है, गन्ना किसान बेचारा परेशान घूम रहा है जी। और कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, बड़ा ढंडोरा पीड़ा 37,000 करोड़ किया, 20,000 करोड़ तक नहीं किया, लोगों को नोटिस वापस आनी शुरू हो गई है, रिकवरी की नोटिस आ रही है। ये बीजेपी के लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ, संकल्प पत्र लेके आए, तमाम जो काम की बात कर रहे थे कोई काम इनका पूरा नहीं, और सिर्फ एक ही बात करते हैं, पिछली सरकार को कोसने काम करते हैं जी। उसके खिलाफ अपना काम नहीं बताएंगे मैंने ये किया, और कानून व्यवस्था का आप देख रहे हैं, रोज एक रैप होता, हत्या होती है, लूटे होती, कितना ग्राफ आगे बढ़ गया है, 500 गुना रैप बढ़ गए, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। ऐसा कोई काम नहीं जो मोदी जी ने वादा किया था केंद्र में, 2 करोड़ नौकरियां देने का, केस का, विकास का, और कहा था 2014 में मुझे आप चौकीदार बनाइए देश का जी, और मुझे प्रधान सेवक बनाइए। आज ऐसा चौकीदार बनाया कि सारा जनता का पैसा दिन में डकैती डाल के बैंक को जमा करा लिया और बैंक के माध्यम से अपने मोदी और किन किन को चौकसी लोगों को दिला करके विदेश भेज दिया। ये देश का कैसे चौकीदार साबित सर, ये तो सर आरोप प्रत्यारोप है। मैं आपसे आपकी पार्टी की रणनीति, गठबंधन के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था। प्रदीप सिंह आप क्या कहेंगे? ये हमारी पार्टी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी और दोबारा इतिहास फूलपुर दोहराएगी और विपक्ष ही जीतेगा और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जनता धराशायी करेगी, क्योंकि जनता उब चुकी है झूठे वादे से, झूठे विचारों से और काम नहीं करना, बातें करना। ये लोग जात पात की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, ये लगातार कहते हैं सबका विकास सबका साथ, वास्तव में अपराधियों का विकास हुआ है, व्यापारियों का विकास हुआ है, इनके लोग जरूर विकास हुआ है, बाकी किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सारे लोग हताश हैं, सब इनको जवाब देने लगे हैं। और जितने उपचुनाव हुए हैं आप देख रहे हो, एक मिनट बात करूंगा, पंजाब में उपचुनाव हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धराशायी हुई है और यहाँ भी धराशायी होगी। हम रणनीति के तहत सब मिल के चुनाव लड़ेंगे, पूरा विपक्ष एक होगा, इनको हराने काम करेंगे। ठीक है सर, प्रदीप सिंह।
अच्छा, निश्चित तौर पर जो है अभी समय है और जो है हमारा और इस पर निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि आने वाले समय में क्या रणनीति होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि दो उपचुनाव हारने के बाद इनकी तैयारी पूरी है। उस तैयारी में इन्होंने जो कर्जा माफी की थी उसकी रिकवरी शुरू कर दी है। उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर दे रहे थे उसका पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। स्कूलों में बच्चों को जब पहले किताबें दिया करते थे, यूनिफॉर्म दिया करते थे, आज अब एक पैर के जूते देने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। आप कोई बढ़िया कैंडिडेट दीजिए ना, आप कह रहा ना फुल फुल कोई बढ़िया कैंडिडेट दीजिए हैं और क्यों नहीं। निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी समय है, 29 तारीख को हमारी रैली है, रैली के बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली। हाँ, निश्चित तौर पर बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होकर इन्होंने अराजक लोगों को बलात्कारियों के साथ खड़ा करके इन्होंने वहां के चुनाव को जीतने की तैयारी कर ली है। इस तरह की तमाम तैयारी इन्होंने कर ली है और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही है, तो आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि फिर एक बलात्कारी नेता जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बताइए, जब नित्यानंद स्वामी चिन्मयानंद जी का मुकदमा सरकार वापस ले रही है तो हम ये क्यों ना माने कि सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है? उन्नाव रेप कांड में 7 महीने तक FIR नहीं होती है तो हम क्यों ना माने बलात्कारियों के साथ? चुनाव में जा रहे हैं तो क्या कोई उम्मीदवार के ऊपर चुनाव में समर्थन में उनका समर्थन लेके चुनाव में उनका समर्थन ले रहे हैं? जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था आपको, आपका जब समय आएगा पूरी आग उगलिएगा। आप तो विपक्ष को ना बोलने की हैसियत रखते हैं, विपक्ष को मौन कराने की हैसियत आप रखते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। हम आप केवल दीनदयाल केवल दीनदयाल उपाध्याय चुनाव पर समीक्षा कर आपने मैं चुनाव पर समीक्षा कर लूं कुछ आपको भी लेकिन चूंकि विपक्ष को न बोलने देने की आदत भारतीय जनता पार्टी की रही है। यहाँ पर भी नहीं बोलने देते, सदन में नहीं बोलने देते, सड़क पे नहीं बोलने देते। सड़क पे भाग रहे हैं, सदन में बोलो तो माइक छीन लेते हैं, सदन में बोलो तो माइक छीन लेते हैं, क्षेत्र में जाके बताते हैं कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही है, कांग्रेस हमें बोलने नहीं दे रही है, हमें बोलने नहीं दे रही है। 40 लोगों की पार्टी देखा था बहुमत की सरकार को बोलने नहीं दे रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार 4 साल के अंदर अनुपात में खड़ी है। काम करने का तरीका है नहीं है, आप क्या गलत कर रहे हैं? आपके प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं कि वहाँ पर जन ठीक है, आइए 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 बात करते हैं। बलात्कारियों को समर्थन करने वाला पार्टी का समर्थन करने लगे, बलात्कारियों को समर्थन करने वाली पार्टी का समर्थन करने लगे। सर ये तो 24 घंटे कम पड़ेंगे आरोपों के लिए। आइए चुनाव पर बात कर लेते हैं। फूलपुर नूरपुर में और कैराना में चुनाव है। एके मिश्रा जी हमारे राजनीतिक विशेषक हमारे साथ हैं और हम चर्चा इस पर इस बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं कि परिस्थितियां क्या कहती हैं, आगा पीछा क्या कहता है, इन सीटों पर चुनावी समीकरण क्या है, उस पर चर्चा कीजिए और आप भी इसमें शामिल हुई है। जी मिश्रा जी, अक्षय जी देखिए, जैसा मेरे सभी राजनीतिक मित्र बोल रहे थे, देश का विकास करना, परियोजनाएं चलाना, वो एक डिफरेंट एजेंडा और स्ट्रेटजी होती है और जो चुनाव होता है और चुनाव के टाइम में जो वोटरों का जो झुकाव होता है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी और मुद्दा होता है। कोई भी चुनाव जीतना या हारना, जो वो महीने दो महीने का जो पूरा काम होता है डिफरेंट पार्टियों का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से जो वोटर्स के प्रेफरेंस हैं एक जगह से दूसरी जगह वो स्विंग होते हैं। देखिए, अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये एक बहुत ही जो है माइक्रो लेवल की एनालिसिस है और आप ही के चैनल पे मैंने फूलपुर वगैरह के लिए भी बोला था कि बीजेपी हारेंगे, उसके कुछ बेसिक रीजंस थे और वो चीज हुआ और इसके पहले भी जितने हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे रिजल्ट सेम थे। देखिए बीजेपी का अगर ये देखा जाए, मैंने उस वक्त भी बोला था उपचुनावों को बीजेपी बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से नहीं लेती है। बीजेपी की थोड़ी सी कमजोरियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि उपचुनाव के लिए
अच्छा दूसरा ये होता है कि उपचुनाव में जो भी रिजल्ट आता है वो केवल लोकल मुद्दों के कारण आता है, क्योंकि नेशनल या स्टेट लेवल का जब चुनाव होता है तो किसी भी पार्टी के एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी मशीनरी वहां पे इन्वॉल्व रहती है लोगों को मास लेवल पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बीजेपी ने अच्छा किया, समाजवादी ने बुरा किया, ये सब चीजें पब्लिक नहीं देखती है और पब्लिक का माइंड सेट टोटली वहां पे महीने दो महीने में चेंज हो जाता है। ये एक बहुत डिफरेंस है। देखिए अगर यहां पे हम फिर से उपचुनाव की बात करेंगे तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं बीजेपी सारे उपचुनावों को हारी है। अगर अब यहां पे देखना यह है कि अगर विपक्ष ने कोई गठबंधन बनाया, मायावती जी ने जैसा कि मैं आपके चैनल पे देख रहा था उन्होंने बोला कि भाई हम कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे, अगर ये अकेले होकर के लड़ेंगे तो जो चौधरी चरण सिंह के मतलब पोते हैं जो जयंत जी को जो कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो नेचुरल बेनिफिट है, नेचुरल इमेज है, उसके कंपैरिजन में जयंत जी को जो है उनका अभी कोई इतना जबरदस्त इमेज या एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज ए पॉलिटिशियन की तरह नहीं बनी है, तो वो बीजेपी को फेस नहीं कर पाएंगे। इसमें सवाल ये है कि बसपा और सपा के पास क्या कमी है वहां इस सीट पर, क्यों जयंत चौधरी आगे? नहीं बस देखिए अब ये केवल अभी अटकलें चल रही है, हो सकता है जयंत चौधरी जी के साथ जो है मतलब ये पार्टियां एक साथ आ जाए, एक साथ नहीं आए। एक बार अगर ये क्लियर हो जाए कि ये अगर अकेले लड़ रहे हैं, नहीं अभी जगदेव सिंह कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ आएंगे। नहीं नहीं देखिए सवाल ये होता है वो इलेक्शन के पहले जब नॉमिनेशन होता है ना तो हाईकमान जो है क्या डिसीजन लेता है, क्या बनता है, ये बहुत तेजी से ये चीजें चेंज होती है। अगर ये बोल रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ आएंगे तो मैं यहां बोल सकता हूं कि बीजेपी को आप एक अच्छी चुनौती देंगे, लेकिन यहां पे अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल जो बीजेपी, लेकिन कैंडिडेट इज आल्सो मैटर ना, कैंडिडेट भी नहीं देखिए अब ऐसे अगर आप मैटर की बात करेंगे तो लगभग 80 से ज्यादा फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो मैटर करते हैं। वन बाय वन या ओवरऑल अगर हम ये कंपैरिजन करें, अगर आप देखिए मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, इन सब की बात करेंगे और इंडिविजुअल सीट्स की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के सामने जो एडवांस लेवल पे इस वक्त फैसिलिटीज हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो थिंक टैंक है, वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के बारे में क्या आकलन है आपका? नहीं कांग्रेस के बारे में तो सर देखिए मैं शुभकामनाएं जरूर दूंगा और मैं बोलूंगा कि सर कांग्रेस को पूरे नेशनल लेवल पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई स्थानीय उम्मीदवार बड़ा चेहरा हो जाता है। नहीं तो देखिए ये एक नहीं विधवा जी देखिए ये एक बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है कि आपका जो देखिए कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़े जो बहुत स्ट्रांग थे लेकिन जब नेशनल लेवल पे पार्टी की नीतियां गलत हो जाती हैं, उनका चुनावी जो है रणनीति या चुनावी जो माहौल बनाना होता है वो असफल हो जाता है, तो बड़े से बड़े नेता भले ही वो कितना कद्दावर अपने एरिया में क्यों ना हो, देखिए पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट यही है, कैंडिडेट आपका बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हाईकमान वालों ने गलती कर दी, जैसे गुजरात इलेक्शन में हुआ, मणिशंकर अय्यर जी ने एक छोटी सी चीज बोल दी और कांग्रेस ने जीता जिताया हुआ इलेक्शन वो बीजेपी से हार गई, मार्जिनल 8-10 सीटों का गैप था। तो ये पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का है और एक बहुत जबरदस्त सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कि आला कमान स्टेट लेवल और ग्राउंड लेवल के जो सारे नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब यूनिडायरेक्शनल होकर के उनको चलना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आता है। और ये यूएसपी बीजेपी के पास है, ये बीजेपी ने अपने आप को रिफॉर्म किया है। दूसरी पार्टियों को भी मैं बार बार यही बोलता हूं शुभकामना के साथ कि सर आप लोग जरा ग्राउंड लेवल पे अपने आप को रिफॉर्म करिए, अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर मुझसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन सी पार्टी के पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं बोलूंगा कांग्रेस के पास है और उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ये जगदेव सिंह जी जो अभी AK मिश्रा कह रहे थे, समझ में ये नहीं आ रहा कि यहां पर जयंत चौधरी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं लेकिन आप लोग अपने स्तर पर सपा बसपा जयंत चौधरी को आगे कर रहे हैं, आपके पास कौन सी कमी उम्मीदवारों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और कहीं आप देखिए ये मानते हैं कि जिस एरिया इलाके में जिस इलाके में चुनाव है वहां RLD का बोलबाला है, दबदबा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं ये थोड़ा सा अक्षय जी यहाँ करेक्ट करूंगा, RLD का दबदबा सर लगभग मृत प्राय हो चुका है, बहुत ही साफ नहीं, नहीं है। लेकिन इस इलाके में खासतौर से बहुत ये साफ नहीं है जी। बाकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD चौधरी अजीत सिंह का काफी प्रभाव दबाव रहा है, वो चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र है, देश प्रधानमंत्री रहे, तो अगर संयुक्त प्रत्याशी उतारने की बात आती है और सारे लोगों की सहमति बनती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि स्वयं लड़ना है या उनको समर्थन देना है, ये उनका निर्णय होना है, मैं समझता हूँ ये हम जरूर कह रहे हैं या सब लोग चाह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने काम करें और एक संदेश देने जाएगा कि आने वाले 2019 में
उत्तर प्रदेश से नहीं, सारे देश से हम विपक्ष मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विलक्षण करने का हो जाएंगी जगदेव जी। और अभी ये कुछ भी तय नहीं है कि कब होने जा रही है लड़ेगा। अभी अभी कराना के बारे में भारतीय जनता को मालूम है आपकी सरकार ने क्या किया था, कितने पलायन हुए थे कराना में, कितने पलायन हुए थे, आप मुझसे नंबर पर आए थे, कितनी बड़ी घटना हुई थी, चौथे नंबर पर आई थी, सामने में ये निर्णय हो रहा है, अभी ये प्रीमैच्योर स्टेज है, अभी नहीं है। और जहाँ तक गोस्वामी जी बहुत बोलते हैं, बहुत करते हैं, खराब है, इनको अपने टाइम में बोलना चाहिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी जगह का हार चुका, हार गया, उसके बाद किस मुंह से बोल रहे, किस मुंह से बोल रहे, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कितनी ज्यादा आएगा, भारतीय जनता पार्टी आज अपराधियों की भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी अपराधी आ गए, दूर के धुल के बहुत अच्छे हो गए। अभी तो मुक्कल लगाओ तो हम लोग बैठे थे, इनकी हिम्मत नहीं थी, इस तरीके से इसीलिए मजबूरी में अब दोबारा बीच में प्रदीप सिंह हार जाते। ठीक है जगदेव सिंह जी, पार्टी ठीक है सर, जिले उपचुनाव में सरकार एक भी चुनाव हम नहीं आ रहे, ठीक है, सारे चुनाव आ रहे हैं लगातार, ठीक है, प्रदेशों में भी ठीक है। प्रदीप सिंह ये बताइए कि आपकी पार्टी ने अभी कुछ नाम तय किया, कुछ चेहरा, कुछ सुखबुगाहट आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से, इन दोनों सीटों पर? कैराना का पलायन भी याद है जगदेव जी, वहाँ की जनता को याद है? अच्छा जी, हमने आपको बताया किया था, अरे देखिए अगर पहले तो इनको बोले, जब ये बोलना बंद कर दे तब बताइएगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व मिलकर ये तय करेंगे कि हम आने वाले समय में 29 तारीख के बाद रैली के बाद कि हम क्या करेंगे, किस तरह से अगला चुनाव, अगला प्रत्याशी कैसे घोषित होगा, ये चीज और सारे नेतृत्व के लोग, सारे नेतृत्व मिलकर बैठ के तय करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कैराना की तमाम घटनाएं लोगों को याद है, लोगों को यह भी याद है कि ये कैराना की घटना शुरुआत कब हुई थी। कैराना की घटना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, उस समय हुकुम सिंह जी मंत्री सरकार में मंत्री हुआ करते थे। आईबी की एक रिपोर्ट आती है, उसी समय आईबी ने एक रिपोर्ट दी होती है कि कैराना में फेक करेंसी का निर्माण हो रहा है, यहां से फेक करेंसी चलाई जा रही है। उस समय भी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और यानी एक वरिष्ठ पत्रकार कमलेश्वर जी हुआ करते थे, जिनको संपादक बना करके एक टाइम्स नाम का एक पत्रिका चलाई गई थी, समाचार पत्र चलाया गया था। 3 महीने के अंदर वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिन पर देशद्रोह का आरोप है। उस समय पे हुकुम सिंह जी यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये लोग अगर ये बताते हैं कैराना की घटना में जब आप चुनाव जीत कर आए, आपने ये बताने की कोशिश की आने वाले समय में निश्चित तौर पर तमाम चीजों में बदलाव होगा, क्योंकि 2000 में घटना तमाम लोग भूल चुके थे और आपने एक नई चीजें तय की। लेकिन आपके चुनाव जीतने के बाद लोगों ने ये देखा कि उन अपराधियों के साथ आपने हाथ मिला लिया है और कैराना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, ये आपके कार्यकाल में हो रहा है और लगातार आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे रिकॉर्ड हुए, ये आपका ये हमारी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, लगातार आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध कहीं पर दर्ज हो रहा है तो नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ रहा है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, आपकी सरकार की रिपोर्ट है। सर वीके गोस्वामी, क्या कहना, वाकई स्थिति बदलाव चाह रहा है, निश्चित तौर पर आप चुनाव हारने जा रहे हैं, जनता बदलाव करेगी गोस्वामी जी? कांग्रेस के पास सिर्फ बोलने के जमीन पर तो इनका कुछ है नहीं। मुलायम सिंह यादव ने बता दिया कि 2 सीट की औकात है इनकी, और इनके पार्टी के उपाध्यक्ष कहते हैं कि वहां जैन मसूर लड़ेंगे, जैन जी लड़ेंगे, समझे? ये समझे कि जाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस तो देश से साफ हो गई ना, ये क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा दंगा हिंदुस्तान में अगर हुआ तो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। अभी सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है कि उनकी टिप्पणी क्या थी, उसका जवाब इनके पास क्या है? तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के दंगों के सबसे बड़ा नाम कांग्रेसियों के हाथ में है, वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी दंगा नहीं कराती। ठीक है सर, बीजेपी के कार्यकाल में रामराज है उत्तर प्रदेश, आपके हमारे कार्यकाल में जनपद अपराधी भग रहे हैं, अपराधी भग रहे हैं, कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जिसका जनपदों में कर्फ्यू लगा था, 147 पहली बार आवाज, वो राज्य मंत्री करते हैं,
गोस्वामी जी, प्रदीप जी, जगदेव सिंह जी, ठीक है, समय सर समय समाप्ति की ओर है। एक मिश्रा जी, क्या लगता है कि ये स्थिति जो बन रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी के शासन काल में अभी कैराना जैसा रहा है, नूरपुर जैसा रहा है? नहीं देखिए, अगर ये मेन इलेक्शन होता ना, तब तो मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जो है मैं एनालिसिस करता, लेकिन चूंकि ये बाई इलेक्शंस है और अगर विपक्ष जो है एक साथ नहीं आ पाया, जैसे जयंत चौधरी के फेवर में, ये एक बहुत टिपिकल टास्क है। मायावती जी या अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके भी अपने बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर अलग होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी, तो वो एक बट नेचुरल फेवर के कारण जीतेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के कंपेरिजन में बीजेपी के पास ज्यादा अच्छी मशीनरी है, बहुत सारी चीजें उसकी बीजेपी की यूएसपी है। लेकिन अगर ये एक साथ होकर के आते हैं तो बीजेपी को बहुत जबरदस्त टक्कर मिलेगी और हो सकता है कि बीजेपी फिर हार जाए वहां पे। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाई इलेक्शंस के नेचर टोटली डिफरेंट होते हैं। जो नेशनल या स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, सारा डायनामिक्स वहां पे अलग होता है, लोगों की वोटर्स की जो प्रेफरेंस होती है, उनका वोटर्स के सोचने का जो तरीका होता है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय समाप्ति की ओर है। अब देखना ये होगा कि मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतगणना का भी, लेकिन ये कैराना और नूरपुर की सीटों पर आने वाले वक्त में जनता किसे चुनती है, क्या चुनावी समीकरण बनते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हिंदी खबर के लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।